अमृतसर के गांव वरपाल की रहने वाली किसान की बेटी लवप्रीत कौर उन लोगों के लिए मिसाल है जो केवल अपने माता पिता के लिए केवल बेटी नहीं बल्कि बेटे से काफी बढ़कर है, जिसे उसके माँ बाप ने बेटों की तरह पाला है। इसी कारण शादी हो जाने के बाद भी लवप्रीत कौर किसानी करके अपने माता पिता की मदद करती है। वही लवप्रीत के माता पिता को भी अपनी बेटी पर गर्व है कि वे कहते हैं कि अगर उनका बेटा होता तो शायद वो लवप्रीत जैसे हमारा साथ न देता। उन्हें गर्व है कि उनको श्रवण पुत्र जैसी बेटी मिली है जो उनका सहारा है। तो जिन लवप्रीत की आज हम बात कर रहे थे वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गए। लवप्रीत कौर, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। लवप्रीत, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ये है कि आप खेती कर रही हैं काफी समय से, शादी से भी पहले से खेती कर रही हैं, तो कब से, कितना लंबा हो गया समय आपको खेती करते हुए, कब से आपको शौक है? जी, अगर आपके दिनचर्या की बात करते हैं तो कैसे इसकी शुरुआत होती है, कितने बजे आप खेती पे जाते हैं, आप जानना चाहेंगे आपके रूटीन के बारे में। उठती हूँ, उसके बाद पशुओं का काम करने के बाद मैं खेती बाड़ी का काम करती हूँ और जो दूध है उसको डेयरी तक ले जाया जाता है और इसी तरह से मैं पूरी दिन का अपना दिन का काम करती हूँ। जी, लवप्रीत आपके परिवार में कौन कौन है जानना चाहेंगे? मैम, मेरे माता पिता और मेरे हस्बैंड जी, मेरी एक छोटी बच्ची है। तो मतलब आप एक लौती बेटी हैं अपने माता पिता की, तो जाहिर सी बात है कि आपके कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां आ गई होंगी। लेकिन ऐसे में जानना चाहेंगे लवप्रीत कौर, शादी होने की बात की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ऐसा हुआ या ऐसी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ा जब आपके ससुराल पक्ष की तरफ से किसी तरह की कुछ दिक्कत हो या कुछ बोला हो उन्होंने जब आपने माता पिता की मदद कर दी, ऐसी कोई स्थिति देखने को मिली? नहीं मैम, ऐसी तो कोई स्थिति देखने को नहीं मिली। मुझे अपने ससुराल पक्ष से भी पूरा सहयोग मिला और उन्होंने पूरा साथ दिया मेरा। जी, अच्छा लवप्रीत, ससुराल पक्ष की तरफ से तो आपको बहुत सपोर्ट मिला है, जाहिर सी बात है, और आपके माता पिता तो हमेशा से शुरू से ही आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहेंगे जैसी खेती होती है, खेती में फसल बोने से लेकर मंडी तक पहुंचाने का काम बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन फिर भी जब आप ट्रैक्टर पर जाती थी उस टाइम क्या लोगों की आलोचना का आपको सामना करना पड़ा कभी? हाँ जी मैम, ये बात तो सही है कि जब हम कोई भी काम करते हैं तो वो कहीं लोग अच्छा भी बोलते हैं और बुरा भी बोलते हैं जी। और जो बुरा बोलने वाले हैं कुछ ज्यादा होते हैं, तो ऐसी बातों का सामना तो करना पड़ता है। तो फिर उस चीज को आपने कैसे हैंडल किया? मैम, अगर हम लोगों की बातों का ध्यान देने लगे और उनकी बातें सुनने लगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसलिए मैंने इन सब लोगों की बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ने का फैसला लिया और मैंने ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल लवप्रीत कौर, क्योंकि आज भी हम लोग देखते हैं, शायद आज भी हमारे समाज में ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं, आप हैं और हमें, हम लोग तो अभी यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन शायद आज भी हमारे देश में कई ऐसी लड़कियां हैं जो आगे बढ़ना तो चाहती हैं लेकिन किसी न किसी वजह से वो नहीं बढ़ पाती है। ये बात तो सही है, ज्यादातर डर जो है लड़कियों को वो समाज का डर होता है कि बिल्कुल ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो इस बात से पीछे हटकर जो है अपना आगे बढ़ना चाहिए, लोग क्या कहेंगे इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल लवप्रीत, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप उन लड़कियों को या बेटियों को क्या मैसेज देना चाहती है जो शायद किसी न किसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाती है? मेरा मैसेज तो यही है कि जो वजह है वो इंसान के आगे बढ़ी नहीं होती अगर हम ठान लें कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो इसलिए मैं इसे यही कहना चाहूंगी कि आगे बढ़ो, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप काम बिल्कुल करना चाहते हैं वो आप काम करें और लोगों की परवाह ना करें कि लोग क्या कहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लवप्रीत कौर, आप हमारे साथ जुड़ी है और आपने कीमती वक्त हमें दिया है। तो ये हमारे साथ ही लवप्रीत कौर, जिन्होंने एक मिसाल जो है वो पेश की है, सिर्फ बेटा ही नहीं बल्कि बेटियां भी बहुत आगे बढ़ सकती हैं, और खबर फास्ट भी आपको ऐसी ही तरीके से मोटिवेट करता रहेगा और इसी तरीके से अलग अलग लोगों की स्टोरीज आपके सामने लाता रहेगा ताकि आप किसी भी सिचुएशन में कमजोर ना पड़े। चलिए।